अगर आप एक स्टूडेंट हैं स्कूल या फिर कॉलेज कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो आजकल आपको एक कार्ड की जरूरत पड़ती होगी। कॉलेज या फिर स्कूल आपसे डिमांड करता होगा ABC ID कार्ड। तो ABC ID कार्ड क्या होता है, क्या है इसके फायदे, और आप ABC ID कार्ड खुद अपने फोन से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। ABC ID कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे, ओपन करना है। ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू इन इंग्लिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या फायदे हैं ये डिजी लॉकर अकाउंट के, वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। यहाँ पे स्किप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक है साइन इन और एक है क्रिएट अकाउंट। तो साइन इन अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जबकि अभी तक हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वही वाला मोबाइल नंबर आप यहां पे एंटर करेंगे। दूसरा कोई भी नंबर यहां पे अगर आप एंटर करते हैं तो आधार वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप यहां पे कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आगे जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो आप फिर नॉर्मली कर सकते हैं। और फिर आपको अपने आधार कार्ड में जो भी नंबर से आपने यहाँ पे डिजी लॉकर बनाया हुआ है, वही नंबर आपको अपने आधार कार्ड में लिंक करवाना होगा। तो आप समझ गए, मतलब कि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मेल फीमेल वगैरह चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर पे आप OTP रिसीव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का पिन सेट करना है, जिसके थ्रू आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट को लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी पिन एंटर करिए, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जो भी नंबर आपने वहाँ पे एंटर किया हुआ था उस नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होगी। OTP को यहाँ पे एंटर कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से OTP आपको रिसीव होगी। OTP आप एंटर करिए। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है। जब तक आप अपना आधार नंबर वेरीफाई नहीं करते हैं, तब तक ये एप्लीकेशन आपके किसी काम की नहीं है। तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर जो भी आपने डिटेल्स वहाँ पे एंटर किया हुआ था, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आप ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स दी हुई होगी वही आप यहाँ पे एंटर करिएगा, क्योंकि अगर डिटेल मिसमैच होती है तो आधार वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप वही डिटेल्स वगैरह एंटर करिएगा जो भी आपके आधार कार्ड में पहले से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्किप फॉर नाउ के लिए ये ऑप्शन पे है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जब आप अपने आधार की डिटेल्स वगैरह वहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, तो आपको कुछ ऐसा अपना डिजी लॉकर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है ABC। तो यहाँ पे ABC ID कार्ड ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी, जैसे कि एडमिशन ईयर, आप कौन से साल में यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन या फिर नन, आप जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर अपना एंटर कर देता हूँ कि मैं जिस स्कूल में या फिर जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उस समय मेरा रोल नंबर वहाँ पे क्या था। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू ये आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप, तो यहाँ पे आप चूज करिए यूनिवर्सिटी का आप एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कॉलेजेस का या फिर बोर्ड का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यूनिवर्सिटी का यूज़ करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी आ जाएगा, कॉलेज ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी यूज़ कर यहाँ पे सिलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारे यहाँ पे लोकल में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एबीसी आईडी कार्ड, यहाँ पे इसकी डिटेल्स यहाँ पे रिलोड हो रही है, सिंक्रोनाइज हो रही है, थोड़ा सा वेट करिए आप। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे एबीसी आईडी कार्ड आपका बनके तैयार है। अब अगर आपको ये एबीसी कार्ड डाउनलोड करने का है तो वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो आप देखिए। आपको यहाँ पे ये थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्यू पीडीएफ दिखाई दे रहा है और दूसरा एक ये बटन दिखाई दे रहा है शेयर, आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। अलाउ कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको ये कॉपी टू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी टू पे क्लिक करेंगे आपके फोन की फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे आपको ये पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और बस आपका एबीसी आईडी कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको आप ओपन कर सकते हैं, ये देखिए पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे हमारा एबीसी आईडी कार्ड बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे अपना एबीसी आईडी कार्ड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। आपको कहीं पे भी कैफे वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि एबीसी आईडी कार्ड के क्या फायदे हैं। तो एबीसी आईडी कार्ड का ये फायदा है कि मान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है किसी भी कॉलेज से या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उस कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट, आप ध्यान रखिएगा कि स्कूल कॉलेज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड हुआ, मार्कशीट हुआ, प्रोविजनल हुआ, तो वो सब आपके ये जो एबीसी कार्ड में आपका ये जो एबीसी आईडी नंबर है इस पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि ये जो अगर आपके पास एबीसी आईडी कार्ड लॉगिन रहेगा आपके फ़ोन में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से अपने स्कूल और कॉलेजेस के सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अगर मैं किसी को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्कूल का यहाँ पे मार्कशीट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट करते हैं इसलिए ताकि कॉलेज या फिर स्कूल या फिर गवर्नमेंट आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके कॉलेज स्कूल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे रिलीज करता है वो बहुत ही आसानी से आपको डिजी लॉकर अकाउंट में आपका मिल जाए। अगर आपको हार्ड कॉपी न भी मिलती है तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से एबीसी आईडी कार्ड अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बस प्रिंट आउट करके और उसको कॉलेज और स्कूल में कहीं पे भी जमा कर सकते हैं। ये सभी स्कूल और कॉलेजेस में वैलिड होगा, आपसे किसी भी तरीके के वहाँ पे क्वेश्चन आस्क नहीं की जाएगी, आप खुद से भी एबीसी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद। But what you gonna do for, how you gonna move for, what you gonna be?